गुड मॉर्निंग एवरीवन, अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 और हम जस्ट लैंड हुए हैं श्रीनगर एयरपोर्ट पे एंड दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बेल्ट आई हैव एवर सीन। तो गाइज, हम लोग यहाँ से अभी प्रीपेड टैक्सी लेके जा रहे हैं सोनमर्ग डायरेक्टली फ्रॉम एयरपोर्ट और ये लोग कुछ चार्ज कर रहे हैं 4,500। यहाँ से डल लेक कितना दूर है? यहाँ से डल लेक 18 किलोमीटर। ओके, और कश्मीर में जगह कौन कौन सी है घूमने की? कश्मीर में मैडम बहुत सारी जगह है, गुलमर्ग है, पहलगाम है, सोनमर्ग है, यूसमर्ग है, दूधपत्री है, लोकल साइड से मुगल गार्डन। ओके, और खाने का फेमस फूड इधर? आप लोग वेज नॉन वेज? वेज। नॉन वेज नहीं बताइए, दोनों ही क्या है, वेज नॉन वेज? यहाँ वेज में तो यहाँ कुछ नहीं है, नॉन वेज में ही है यहाँ फेमस। नॉन वेज में यहाँ कश्मीरी वाजवान। वाजवान, ओके। उसका वेजिटेरियन वर्जन नहीं है? वेजिटेरियन वर्जन नहीं है। ओके ओके, हम लोग पहुंच गए हैं मामर में और यहाँ पे हम लोग ब्रेकफास्ट करने वाले हैं। देखिए क्या खूबसूरत जगह है, ये राजा ढाबा है, यहाँ पे आपको प्योर वेजिटेरियन खाना मिल जाएगा। भैया क्या अवेलेबल है अभी खाने में? अभी आलू का परांठा होगा, प्लेन परांठा होगा, मैगी होगा, बटाटोस होगा, सैंडविच होगा। ओके, तो मामर से ब्रेकफास्ट करके हम लोग निकले सोनमर्ग की ओर और रस्ते का जो व्यू है देखिए जरा कितना प्यारा है। हम लोग जस्ट पहुंचे हैं सोनमर्ग और यहाँ से अभी पहले हम टूरिस्ट ऑफिस जाएंगे, वहाँ हमारा परमिट बनेगा एंड उसके बाद हम लोग फिर ट्रैक शुरू करते हैं। बताती हूँ मैं आपको कितना टाइम लगता है परमिट में, क्या क्या फॉर्मेलिटीज हैं एंड ऑल। तो हम पहुंच चुके हैं टूरिस्ट ऑफिस सोनमर्ग में, यहाँ से आपका परमिट बनेगा ग्रेट लेक्स ट्रैक का। एंड परमिट के लिए आपको आपके आधार कार्ड की ज़रूरत होगी और एक मेडिकल सर्टिफिकेट की, और इन्होंने हमसे फीस ली है 500 पर हेड। हेलो एवरीवन, ये है रियाज भाई, ये है अली भाई, हम लोग इनके साथ ट्रैकिंग कर रहे हैं। ये हमारे गाइड भी हैं, हमारे कुक भी हैं, हमारे पोर्टर भी हैं, सब कुछ यही हैं। तो अगर आप लोग भी कोई एजेंसी के थ्रू नहीं करना चाहते हैं, ऐसे अपने प्राइवेट टूर करना चाहते हैं तो रियाज भाई को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अभी तो हमारा फर्स्ट डे है, बाकी आगे के एक्सपीरियंस हम शेयर करते रहेंगे। ट्रैक शुरू करने के 10-15 मिनट बाद जस्ट लुक एट योर बैक साइड, आपको सोनमर्ग वैली का ब्यूटीफुल व्यू देखने को मिलेगा। अगस्त सेकेंड वीक में हम लोगों ने ट्रैक की थी एंड अगस्त कश्मीर में बारिश का महीना है तो बारिश हमको मिली, बट लकीली ज़्यादा हैवी रेन नहीं थी तो ट्रैक में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, हम काफ़ी अच्छे से एंजॉय कर पाए।
हमारी प्यारी दोस्त भेड़ें, जो आपको पूरे ट्रैक में जगह जगह मिलती रहेंगी। एंड आई फाउंड देम प्रिटी मच कैमरा फ्रेंडली। ये है बुर्ज का पेड़। पुराने जमाने में राजा महाराजाओं के टाइम में इसकी इसकी छाल निकाल के एज अ पेपर यूज किया जाता था। तो ये है टिफिन टॉप। यहाँ पर आपको स्नैक्स और लिटिल ब्रेकफास्ट वो सब मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ से निश्नई तक, जो मोस्टली डे वन का कैंपिंग एरिया है, कोई भी शॉप्स नहीं है। तो हम भी यहाँ पे कुछ खाएंगे। क्या है भैया खाने के लिए? और अभी इतना ही है। ठीक, टेबल टॉप पे आपको ये सब स्नैक्स भी मिल जाएंगे एंड चॉकलेट्स, एप्पल, पानी, माजा, सब कुछ है यहाँ पे। मन तो था टिफिन टॉप पे थोड़ा सुकून से बैठा जाए, लेकिन अभी आगे की काफी ट्रैक बची हुई थी तो हमें निकलना पड़ा। जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये बकरवार्स के घर हैं। ये लोग 3 महीने यहाँ रहते हैं, फिर जब इधर ठंड बढ़ जाती है तो सितंबर के बाद ये लोग नीचे अपने विलेजेस को चले जाते हैं। टिफिन टॉप से निकलते ही जंगल का रास्ता शुरू हो जाता है, जो 15-20 मिनट की ट्रैक तक रहता है। जंगल में ऑलमोस्ट ट्रेल्स बनी हुई हैं, और कोई बकरवार या घोड़े वाले मिल गए तो आप उनसे भी रास्ता पूछकर जंगल से निकल सकते हैं। जैसे ही आप बाहर निकलते हैं जंगल से, काफी दूर तक का व्यू क्लियर दिखाई देने लगता है, और जब हमने अपने चारों तरफ देखा तो नजारे ही कुछ और थे। यहाँ से आगे पूरा रास्ता कैंप साइट तक पत्थरों वाला है, जो पहाड़ों के बीच से नदी के किनारे होते होते निकलता है। निश्नई तो हम पहुँच चुके हैं, एंटर हुए हैं अभी, लेकिन कैंप साइट अभी यहाँ से और 45 मिनट्स का वॉक रहेगा। हमारे पोर्टर और गाइड तो थोड़ा आगे निकल गए क्योंकि उनको टेंट सेटअप, खाना वाना बनाना है। तो हम लोग चल रहे हैं धीरे धीरे एक्सप्लोर करते हुए। फाइनली निश्नई के कुछ कैंप्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ से सिर्फ स्टार्टिंग है कैंप्स की। लगता है मैं और आगे जाना पड़ेगा। एंड अब तो धूप भी चली गई है, काफ़ी चल रही है। हमने शुरू किया था सोनमर्ग से कुछ 12-1 बजे के आसपास, और अभी शाम का 6 बजने वाला है। होपफुली इन नेक्स्ट 15-20 मिनट्स हम लोग कैंप पे पहुँच जाएंगे। हम पहुँच गए हैं हमारे कैंप लोकेशन पे। हेलो, आ गए हम लोग 3 घंटे से पहले। क्या बनाया हमारे लिए? ओके, और ब्रेड बटर। चलिए ठीक है।
इधर पे खत्म होता है हमारा डे वन। ये 6 दिन की ट्रैक है, तो सारी वीडियोस आपको डे वाइज देखने को मिलेंगी। डे बाय डे लोकेशन और भी ब्यूटीफुल होती जाती है। सो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक करना ना भूलें। साथ ही आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम में, मेरा हैंडल है HRICHA.JOSHI। सो गुड बाय फॉर नाउ, और जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो डे 2 ऑफ ट्रैक में।